नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। CPIML की तरफ से आज रोजगार अधिकार महासम्मेलन बुलाया गया। आपको बता दें कि बिहार में तमाम जो बेरोजगार लोग हैं वो इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कुछ STET 2011 बैच के अभ्यर्थी हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम हुआ? धनंजय कुमार। कहाँ से आए? बेतिया, पश्चिम चंपारण। 2011 बैच के STET के अभ्यर्थी है। लगातार प्रदर्शन करते हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हम लोगों का क्या कसूर है? हम तो अपनी मांग रख रहे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन? हम लोगों के लिए कोई नहीं। बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मेलन बुलाया गया था, आप लोग भी शामिल हुए हैं। इसी उम्मीद में आए हुए हैं कि कहीं कहीं किसी उम्मीद की किरण दिखाई पड़े, तो 200, 250, 300 किलोमीटर चलकर पटना की धरती पे संदीप सौरभ जी या मनोज मंजिल जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। लगातार आप लोगों का मुद्दा विधानसभा में भी उठा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रहे। जब भारत की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी मंदिर, विधानसभा में लोग झूठ बोल सकते हैं, तो जनता के बीच झूठ बोलना ही तो आम बात है। ये तो आम बात है, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि शासक निरंकुश हो गया है। आप अपना नाम बताइए। मनोज कुमार। हम भागलपुर जिले से आए। भागलपुर से आप पटना आए जी? क्या कहिएगा STET अभ्यर्थियों को? हम लोग जो पिछले 10 साल से जो है ये जिसको जो झेल रहे हैं उसी को हम लोग संगठित होकर ये जो अपनी मांग के पूरा करने के लिए जो है सब एकत्रित होने के लिए आए हैं, और अपने जो है कि हम लोग का जल्द से जल्द जो है रिक्तियाँ जोड़ कर बहाली करें। सर, आपकी एज क्या होगी? 43 ईयर्स हो गई एज आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला है, नहीं भी हो गई है, है। 5520 विद्यालयों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा बोल रहे हैं। ये बताइए, घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है? दुख में जीने की आदत हो गई है जी। तो अंधे से पूछा जाए ये दुनिया क्या है। आप अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार यादव। कहाँ से? छपरा जिला से। क्या कहिएगा सरकार? हम लोग लगभग 10 साल से रोड पर घूम रहे हैं। सरकार रिक्ति रहते हुए भी आज तक रिक्ति नहीं दे रही है, और 17,000 कुछ जो रिक्ति है लगभग आपको पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण करते करते ऐसे ही करते चली जा रही है। लगभग ये छठा चरण चाह रहा है, उसी पर बहाली कर रही है। और अभी सोशल साइंस का लगभग 5,000 से ज़्यादा सीट है, लेकिन अभी तक सोशल साइंस का सीट सरकार जो है नहीं दे रही है, जिसके कारण हम लोग क्या है रोड पर घूम रहे हैं। बहुत से हमारे दोस्त जो है आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में होकर के मर चुके हैं, उनके बीवी बच्चे ऐसे ही अनाथ पड़े हुए हैं। हम लोग का भी अब उम्र जो है धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर हम लोग भी रोड पर घूम रहे हैं। आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, ना हम लोग से अब कुछ होने वाला है। रोज रोज हम लोग रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार लाठी भांज रही है, सिर फोड़ रही है, और सरकार ऐसे चुनाव में वादा करती है कि हम 19 लाख देंगे, और हमारे मोदी जी कहते हैं 1 करोड़ प्रति वर्ष देंगे। ये सब ढकोसला देता है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है, खगड़िया जिला से आए। बीते दिनों बिहार सरकार की तरफ से यह फरमान आया था कि जो अभ्यर्थी हैं STET 2011 की उनकी नौकरी हो जाएगी मार्च महीने में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टाल दिया गया और मुद्दा कहीं से कहीं और लेके चला गया, और बहालियाँ भी नहीं हुई। यहाँ तक आप लोगों को बता भी दिया गया था कि स्कूल कौन कौन सा किसको मिलेगा। सर, हम यही कहना चाहेंगे कि 5520 जो विद्यालय है पूरे बिहार में, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, और 2019 में जो कोर्ट का आदेश आया था सारे शिक्षक को बहाली किया जाए रिक्ति के अनुसार, और हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी रिक्ति 2019 तक है वो रिक्ति छठा चरण में जोड़कर सामाजिक विज्ञान विषय में सारे शिक्षक की बहाली किया जाए STET 2011 को। लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं मान रही है, कोर्ट की बात भी नहीं मान रही है। हम लोग आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं। अगर हम लोग आदरणीय संदीप सौरभ जी MLA जो हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे आए थे, तो वो आश्वासन दिए हैं कि कल हम लोग विधानसभा में आप लोगों की मुद्दा को हम उठाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की मनोकामना पूरी हो जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं सरकार से, सरकार हम लोग की बात मानेंगी। अगर नहीं मानेंगे इस आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोगों की 5,000 है कम से कम सामाजिक विज्ञान विषय में, और सामाजिक विज्ञान में 2011 बैच के, हाँ 2011-12 के STET अभ्यर्थियों के 5,000 अभ्यर्थी बचे हैं। देख सकते हैं जो STET के 2011 बैच के अभ्यर्थी हैं सामाजिक विज्ञान के, वो लगातार
प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बेरोजगार का जो महासम्मेलन था उसमें शामिल हुए तमाम बिहार के अनेक जिले से जो बेरोजगार युवा है वो आए हैं, जिसमें एसटीईटी 2011 बैच के अभ्यर्थी थे हमारे साथ। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, जिस तरीके से संदीप सौरभ जो कि CPIML के विधायक, उन्होंने साफ साफ इन लोगों को आश्वासन दिया और कहा है कि विधानसभा में आप लोगों का मुद्दा उठाएंगे और जल्द से जल्द हम आशा करेंगे कि आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल है, इनको नौकरी मिलेगा तो कब मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी थे 2011 बैच के, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।